तो दोस्त, जैसा कि आपको मालूम है, टाइम टू टाइम काफ़ी सारे यूजर्स के जीमेल अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, क्योंकि उनके जीमेल अकाउंट का सिक्योरिटी टाइट नहीं होता, बिल्कुल वीक रहता है। इस वजह से उनका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है। लेकिन दोस्त, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीमेल अकाउंट में एक सेटिंग करने के लिए बताऊंगा। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हो तो भाई, आपका जीमेल अकाउंट बहुत ही हद तक सेफ सिक्योर हो जाएगा, यानी कि कोई भी अननोन पर्सन आपका जीमेल अकाउंट चाह करके भी हैक नहीं कर सकता। ओके, सो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, अभी मैं आपको जिस सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए बताऊंगा, इस सेटिंग को हर एक एंड्रॉयड यूजर्स को अपने जीमेल अकाउंट में अवश्य करके रखना चाहिए, क्योंकि इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद कोई भी बंदा या फिर कोई भी हैकर्स चाह करके भी आपका जीमेल अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस सेटिंग को अपने जीमेल अकाउंट में इनेबल कीजिएगा। वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जीमेल का लोगो दिखेगा। आप यहाँ पर ये ऑप्शन चूज कर लेना, जिस भी जीमेल अकाउंट में आप सेटिंग को इनेबल करना चाहते हैं उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। तो जब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, गूगल अकाउंट, ठीक है, ये रहा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे ऊपर में, जैसे कि होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा एंड प्राइवेसी, ओके, और यहाँ पर सिक्योरिटी। आपको क्या करना है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो नहीं जानते हैं, ठीक है। देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद इनेबल करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो स्टेप को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे, उस जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब भी जीमेल अकाउंट क्रिएट करते होंगे तो उसका पासवर्ड आपको देना पड़ता होगा। ओके, तो जब आप जीमेल अकाउंट लॉगिन करते होंगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड देना पड़ता है। पासवर्ड देने के बाद ही आप उस जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर पाते होंगे। ये तो रहा पहला स्टेप, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आप इस टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेते हो तो आपके जीमेल अकाउंट की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, यानी कि स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो इस टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी के हाथ लग भी गया या फिर आपका जीमेल अकाउंट प्लस में उस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भी किसी के हाथ लग गया, तो उस सिचुएशन में भी अगला बंदा या फिर हैकर्स अपने डिवाइस में आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर गूगल की तरफ से एक OTP सेंड किया जाएगा। जब तक उस OTP को आप उस बंदे को दे नहीं देते, उसके साथ शेयर नहीं कर लेते, तब तक वो बंदा अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल फोन में आपका जीमेल अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पासवर्ड होते हुए भी अगला बंदा या फिर कोई भी हैकर्स आपके जीमेल अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, अगर आप इस फीचर को इनेबल कर लेते हैं तो। समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसको इनेबल करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर जो है आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं पूरा रीड करना तो रीड कर लीजिए, प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम एक्सेसिंग योर अकाउंट विथ एंड एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको अपने लैंग्वेज में समझा दिया है, आप यहाँ पर इंग्लिश में रीड करके समझ लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन है गेट स्टार्टेड का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट दिखेगा और अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डालिए जीमेल अकाउंट का, उसके बाद नेक्स्ट। सो जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा तो इस तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दिस डिवाइस कैन गेट प्रॉम्प्ट्स, यहाँ पर आपके डिवाइस का मॉडल नंबर दिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर को आप टू स्टेप वेरिफिकेशन के तौर पर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, हाउ डू यू वांट टू गेट कॉल्स, मतलब कि आप किस माध्यम से कॉल को चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू चाहते हैं या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू चाहते हैं। अगर आप फ़ोन कॉल सेलेक्ट कीजिएगा तो जो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा उस नंबर पर आपको एक कॉल आएगा, उस कॉल को आपको रिसीव करना है और उस कॉल में आपको बताया जाएगा आपका कॉड, ठीक है, तो उस कॉड को आपको इनपुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से चाहते हैं तो आपको जैसे नॉर्मली मैसेज आता है उसी तरीके से मैसेज आएगा कॉड, ठीक है, यानी कि कॉड जो है मैसेज के माध्यम से आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, टेक्स्ट मैसेज को सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद सेंड करना है। सेंड करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, एक कॉड आएगा आपके नंबर पर। ओके, देखिए जैसा कि आ चुका है मेरे केस में, इस कॉड को मुझे यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर कॉड को डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, थोड़ा सा ये वैलिडेट किया जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, सेकंड स्टेप गूगल प्रॉम्प्ट्स, बैकअप ऑप्शन वॉइस और टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिखाया जाएगा और यहाँ पर आपके डिवाइस का नाम मॉडल नंबर दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये टर्निंग ऑन होता हुआ दिखाई देगा और देखिए यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन सिंस अगस्त 28, मतलब कि ये जो है आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। आप जब चाहे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अब ये स्टेप टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो चुका है, आपको मेल भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेल आ चुका है और यहाँ पर देखिए गूगल अकाउंट अपडेटेड, टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न्ड ऑन, ठीक है। तो मतलब कि आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हुआ है या नहीं, अब यहाँ पर आपको फिर से सिक्योरिटी वाले पेज पर आना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑन हो चुका है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को अपने जीमेल अकाउंट में अभी के अभी कर लीजिए, अदरवाइज कभी भी कहीं भी आपका जीमेल अकाउंट हैक किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इसे इनेबल कर लेते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट डेटा भी सेफ रहेगा, प्लस में आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा, चाह करके भी कोई हैकर्स आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।